इसके अलावा कई ऐसी अन्य भी सड़कें हैं जिसको कि विकसित करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से जो पटना शहर के जितने भी सड़कों के बगल में जो फुटपाथ हैं उनको भविष्य में आने वाले समय में उनको पेवर्स ब्लॉक या अन्य माध्यमों से पक्कीकरण करने की योजना बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि सड़कों के किनारे गंदगी ना रहे, सड़कों के किनारे जो धूल मिट्टी कीचड़ गड्ढे इत्यादि जो हो जाते हैं उसके चलते भी आवागमन में दिक्कत होती है और काफ़ी उसमें वाहन आने जाने में भी परेशानी लोगों को होती है। तो उसके लिए भी कार्य योजना बनाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है कि उसके लिए कार्य योजना बनाएं और सभी प्रमुख सड़कों के बगल के फ्लैंक को, भूमि को पेबल्स ब्लॉक या अन्य माध्यमों से पक्कीकरण करते हुए उसको भी और बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा और भी जो कई प्रकार की सड़कें हैं कंकड़बाग में, कई सड़कों के बारे में चंदन ऑटोमोबाइल से कंकड़बाग कॉलोनी रोड की जो सड़क है या तिवारी बेचर से कॉलोनी मोड़ की सड़क या आरएनसी मोड़ से, ऐसे सड़कों को भी जो वर्तमान में अपेक्षाकृत पतली सड़कें हैं उनकी भी चौड़ाई बढ़ाकर उनको और चौड़ा किया जाएगा। कम से कम अभी लगभग 7 मीटर की सड़क है उसको चौड़ाई बढ़ा के कम से कम 10 मीटर की सड़क कराया जाएगा ताकि व्हीकुलर मूवमेंट में उस पर सुविधा हो। तो इस प्रकार से अलग अलग बिंदुओं पर कार्य योजना बनाकर अमल करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है और आज की बैठक के